हे पीपल वेलकम टू दी ब्लॉग आज डेट है आरती आज डेट क्या है आरती प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट्स द डेट टुडे ट्वेंटी वन बड़े लोग बहुत से देख के बता रहे हाथ में फोन है सो so गाइस आज है ट्वेंटी वन एंड व्हाट्स द टाइम आरती वैसे फोन बहुत से बहुत से देख के बता वैसे करते हैं भाई हमने बहुत से देख के बता दिखा भी लगोगे दिखा भी अपनी कवर फोटो भी दिखा लगोगे सॉरी क्या कितने से बेसिकली गाइस so, so uh, अभी <laughs> आपको थोड़ा बहुत याद दिख रही होंगी या फिर नहीं भी दिख रही होंगी मुझे पता नहीं बट uh, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मेकअप रिमूव करने के लिए एंड आज का दिन बहुत अच्छा था थर्सडे था बेसिकली नाइनटीन थर्सडे साइन का दिन आज मेरे एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट और मिला जिसकी मैंने सक्सेस स्टोरी निकाली थी सोहिल की सबसे पहले आज उसको एक और प्रोजेक्ट मिल गया एंड कल हम उसका रिएक्शन जानेंगे एज़ यूजुअल एंड ये वाला टॉप भी ना मैंने आरती का नया पहन रखा जब हम उस अगर आपने ब्लॉग देखा होगा वेरमोडा वाला तो हमने आरती के लिए ये वाला इसने वहाँ से पसंद किया था टॉप uh, ये कौन सी उसका है ओनली hmm. का एंड hmm. uh, बहुत ही कम्फर्टेबल एंड बहुत ही अच्छा है मेरे को अच्छा लगा ये एंड मैंने पहली बार थोड़ा ये वाला कलर पहना आरती की चॉइस बहुत अच्छी है आरती ने जो पहना हुआ ये मैंने लिया था मैक्स से अपने लिए और जब मैं लेके आई थी लोगों के मुंह बने थे कि ये क्या उठा लाई है ऐसे लग रहा मांगने वाली है ये है वो है एंड अब ये इज अ वेरी फाइन कि मैन आरती इज़ वेर सच फाइन दस लुक एंड माई पेरेंट्स आर लाइक अच्छा एंड अभी मैं अपना मेकअप रिमूवर एंड क्लिनर ये सब कुछ रख दिया मैंने यहाँ पर आज हमने बहुत सारी हाँ चीज़ें मंगवाई जिसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि अब तक हमने नायका से कुछ दिन पहले आरती ने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी एक चीज़ शायद कल आ जाएगी फिट रहेगी हाँ कब आ जाएगी टू तो थ्री डेज में आ जाएगा आरती का वो सामान भी एंड जब वो आ जाएगा तो हम आपको सारी साथ में दिखाऊंगी कुछ दिन पहले मैंने भी अमेजोन से मंगवाया था तो उसकी मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी एंड बाय द वे यहाँ ये है वेगा की कॉटन पैड्स इससे हम अपना मेकअप रिमूव करते हैं ये मुझे थर्टी की पचास मिल गई थी एंड ये मैं लेके आई थी यहाँ एक मेरा कजन ब्रदर उसकी शॉप है क्रिधा जो सोनीपत में रहते होंगे अमृतसरी के बिल्कुल अपोजिट वहाँ से लेके आई थी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स रखता है वो मतलब सोनीपत में मैंने इतने प्रोडक्ट्स किसी को रखते हुए देखा नहीं जितने वो प्रोडक्ट्स रखता है तो जो भी लड़की वीडियो देख रही है क्रिधा के सामने वो जा सकते मतलब अमृतसरी के सामने एक शॉप है क्रिधा जो कृष्ण राधा जी के नाम के ऊपर रखी हुई है क्रिधा नाम तो आप लोग जाके ले सकते हैं उधर से एंड ये मैंने मेकअप रिमूवर लगा लिया इस पर एंड नाउ आई विल रिमूव और मेकअप एंड मिलते हैं आपको हम सुबह एंड आप लोग थोड़ा चलो कि मेकअप रिमूव करके कैसी दिखते ऐसे ऐसी दिखती हूँ भाई <laughs> और कुछ नहीं है क्योंकि ज़्यादा मेकअप करा नहीं था बस हल्का सा लाइट कंसील किया था ये ज़्यादा ये ज़्यादा भी नहीं करती ये सिर्फ एक लाल लिपस्टिक इसको

ट्वेंटी फोर आवर्स मीट लिपस्टिक नौ सौ रुपए की एक थी एंड मम्मी बस लाइक नौ सौ रुपये की क्या करोगे लेकिन जब हमने लगाई <laughs> हटती नहीं थी वो याद है आरती थी, थी आरती क्या है? हुआ था uh, किसकी शादी पे गए थे <laughs> जी आगे शादी थी ठीक है <laughs> देहरादून से वापस आ गई में नीचे उठी आई गई है ही नहीं पूरा से सो के उठी नीचे गई बुआ और दादी थी किचन में बुआ मेरे को देखकर कहती है क्या कर रही है रात को लगा के सोई है नहीं, नहीं, को मैं बताती हूँ ये अब देखो मेरा मेकअप रिमूव हो चुका है ऑलमोस्ट मेरी ऐसी इस टाइम पे एक बार क्या हुआ था आर... नहीं नहीं ऐसी तो आरती ने कहा मुझे भी लगा दे मैं देती हूँ तो अगर मेरे पास वो फोटोज पड़ी होंगी ना मैं यहाँ शेयर करूँगी <laughs> <दाँगे। laughs> कुछ हरकत कर कर <laughs> <laughs> एक तो मैंने स्काई लाइनर इतना गंदा लगाया जान के गया था इसने डायन बनाया था गाइस और ब्लैक कलर का वन पीस पा के बैठी थी मेरे को ना आपको इसकी अगर मेरे पास फोटो पड़ी हो आरती वो लाल सिराना है तेरा वाला कुशन पता नहीं अंदर ही आएगा मैंने थोड़ा ना आज काजल भी लगाया था काली हाँ देख इसमें लाल दिखा दियो अभी तो भाई वो ब्लैक के साथ अच्छी लग रही है <laughs> ऐसे बोल अगर नीले पीलो के साथ ब्लैक फिर रेड रेड लगा के घूम रही हूं नहीं भाई नहीं मेरे पास नहीं है मैं न्यूड शेड यूज करती हूं लिप जी हां जी ये लो दूसरी वाली दिखा दे यार ये तो बहुत अच्छी लग रही थी यार में। ये में बैक करके दो साल दिखाई दे रही है दो साल पहले की फोटो है एक बार तो दिखा ढूंढ रही ये बदतमीज लड़की मैं और दिखा दी ना रो देगी ये ये देखो ये पार्टी करने लड़की अब ये कहती है की वो उसके साथ अच्छा लग रहा था ग्रीन के साथ लाल के साथ लाल कौन पहनता है जैसे मैं क्रिसमस पे थी ये तो? क्रिसमस की ड्रेस है तो, तो ये क्रिसमस पे पहनना था मैंने तो क्रिसमस के अकॉर्डिंग तैयार हुई थी मैं। अच्छा हर <laughs> चीज के बहाने हैं बस <laughs> सच्ची में देख ले क्रिसमस की है मैं जब कीर्ति वंशिका के साथ थी टोनिका के साथ और देख हर किसी में लाल तो ऊपर किया ये कहाँ किया है नहीं? ओ वरुण चाचा का वगैरह हां गाइस मेरे वरुण चाचा भी व्लॉग बनाते हैं वरुण रेलन व्लॉग्स तो ये व्लॉग देख रहे हैं इसके बाद मेरे वरुण चाचा का चैनल भी सब्सक्राइब करो वरुण रेलन व्लॉग्स लास्ट वाला व्लॉग उनका सब में कमाल का था वो बेचारे घूमते रहते हैं और कहते हैं मेरी ऑडियंस को घूमना पसंद है तो मैं घूमने जाऊँगा व्लॉग्स बनाने के लिए उनकी मेहनत को साकार किया जाए प्लीज़ जनता उनको जाके सब्सक्राइब किया जाए गाइस <laughs> मेरा मेकअप हट गया है ऑलमोस्ट है नगर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ये नैताल घर पर भी वोट लगा रही हूँ मिनी मेरी फ्रेंड को बहुत प्रॉब्लम है अगर मैं बॉबी ब्राउन को घर पे लगा लूँकि लगा लिया बॉबी ब्राउन चमक रहा है हाँ, ऐसा करती है वो चुगल चुप हाँ <laughs> क्या हो गया यार नहीं कभी अच्छा है वो हम कहीं बाहर ही नहीं जाते हैं। हम घर पे रहते हैं हमारा घर ही बाहर जाने लायक है तो हम दिखाते हैं गाइस आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ ये है मेरी बचपन की फोटो ठीक है इसमें मैं हंसती खेलती अच्छी लग रही लगी मेरी ना घर पे लगी हुई थी आरती को इतना कॉम्प्लेक्स आ गया कि इसकी यहाँ क्या लगी हुई है दो दो फोटो तो आरती ने अपनी भी फोटो लगवा ली ओ, ये है आरती नानी ये घर से आई थी दोनों की ठीक है ये गाथा लगी सिर्फ मैंने अपनी लगा रखी तो ये है आरती और मेरी फोटो यहाँ ये आरती को मैंने इसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था फोटो फ्रेम और ये है मेरे मम्मी की फोटो फ्रेम और ये है मेरे पापा का ये मैंने पापा को उनके बर्थडे पे दिया था ये मैंने मम्मी को दिया था आरती का फिर से आपको फोटो फोटो फ्रेम फ्रेम दिख गया मेरे तो एक ही चली है हर में एंड आप यही दिखा रहे थे आपको वाइट पीपल देखो अभी क्या कर रहा है हमने रात को अगर आपको दिख रहा है वहां सामान जिसकी एक अलग वीडियो में बनाऊंगी वो पड़ा हुआ है तो आरती ने यार मैंने थोड़ा सा अपनी स्किन केयर किया अभी रात को एंड अब हम जा रहे हैं सोने आरती पानी की बॉटल भर के आई थी सारी चीज़ें जो ड्यूटी आरती है और आप देखोगे इतना बड़ा डब्बा आया आज आरती दिखाईए डब्बा बाहर से खोल के मैं दिखाना तो बस अनबॉक्सिंग उस टाइम करेंगे ना ये देखो ये सिर्फ आरती का है मेरे सेपरेट प्रोडक्ट्स आ रखे हैं <laughs> कपड़े भी चेंज हो गए क्योंकि आरती का मैं रात को टॉप पहन के नहीं सो सकती ये मैं कलेश कर तो और ये देखो फोटो खींच रही है यहाँ पे अति लियो बहन को भी अब एक मिनट एक मिनट में, में को अब मैं को इन दोनों का रिएक्शन देखना है सबसे पहले अच्छा आपको पता है सोहिल को एक और प्रोजेक्ट मिल गया कौन सा वो नाम नहीं बताएंगे अभी हम इस वीडियो में क्योंकि ऐसे वीडियो में बता नहीं सकते बाद में वीडियो ऑफ करके बताऊंगी खुशी खुशी ने वो ले लिया मजा आया। रितु और रितु को भी मिलने वाला है तुम्हें यूट्यूब वाला कमेंट मैं ना रही क्रिएटिविटी से आ रहे हैं तब यार अपने बैचमेट के लिए थोड़ी तालियां तो बनती है मार दो उसके लिए खुशी की देखो पीपल uh, मैं आप लोगों को, को बता दूँ सोहिल uh, का ये जब प्रोजेक्ट आया ना आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी सोहिल ने मुझे कॉल करा और बोला एक खुशखबरी दो मैं कह बोलो प्रोजेक्ट आ गया उसने नाम लिया प्रोजेक्ट का उसने डिटेलिंग बताई एंड आई वॉज लाइक ऑन द क्लाउड माइंड आई लाइक यू आर बढ़िया सबसे अच्छी फीलिंग होती है किसी भी मिनट और के लिए या फिर किसी भी यू you नो know, uh, मैंने अभी अपना नया सार्ट ही करा और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अर्न कर रहे हैं पढ़ भी रहे हैं अर्न भी कर रहे हैं अर्न वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ये चीज़ सबसे सबसे अच्छी है सो so, सोहिल को एक और प्रोजेक्ट मिल गया सो so, इससे बढ़िया बात कोई है नहीं है एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ आप ऐसे मेरे फेस पे देख सकते हो बहुत मैं बहुत से ज़्यादा खुश हूँ एंड ये मैं आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी जब सोहिल ने प्रोजेक्ट लेके आया ना तो उसकी क्या बात थी मैं आपको बताती हूँ अभी सो हे रयाम मैं अपने इसमें रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ सेवन फोर्टी बात हुई थी मेरी कल तो ये रिकॉर्डिंग है आप सब सुनना

कि वो क्लाइंट लेके आया उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स थे अभी भी एक क्लाइंट आया तो बहुत अच्छी चीज़ है एंड वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है सब का काम अच्छे से कर रहा है उसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं उसे सारे क्लाइंट्स बहुत सारे खुश हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी ये वही स्टूडेंट है जिसका एक फॉरन प्रोजेक्ट आया है जिसकी मैंने सक्सेस स्टोरी भी डाली हुई है लेकिन एक इंटरनेशनल क्लाइंट है मेरे यूट्यूब चैनल पर दूसरे चैनल ये देख लो ये लड़की मुझे बोलने नहीं दे रही मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बट कोई बात नहीं

तो बढ़िया ही है ये फर्स्ट बैच है मेरा फर्स्ट बैच ने इतना कमाल कर दिया ना मैंने खुद नहीं सोचा था एक्चुअल मैं नहीं सोचा था मेरे को खुद लगा था क्या मैं करा पाऊंगी क्या मैं पढ़ा पाऊंगी मुझे टेंशन थी कि ये प्लेस्ड कैसे होंगे लेकिन एक एक बंदे ने इतना अच्छा करा ना मैंने भी अपने डबल एफर्ट्स डाले उन्होंने उस एफर्ट्स को एक्सेप्ट करा उन्होंने उस एफर्ट्स को समझा एंड देन अब वो सारे अच्छी जगह प्लेसड है सो so, अगर आप भी सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, में मेरा नंबर मेरी मेल आईडी मिलेगी आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंसल्टे कंसल्टेशन चाहिए हो आपको तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तब तक के लिए डू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं हम आपको एक अच्छे से नए ब्लॉग में